शांति भोज किया जाता है, इसका क्या आप बहिष्कार कर रहे हैं? जी हाँ, बहिष्कार करना चाहते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देखे कोई गरीब भी रहता है, कोई अमीर भी रहता है, इसके लिए हम सोचते हैं कि कुप्रथा को बंद किया जाए, लास्ट का भोज बंद किया जाए। जी नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह, हमेशा की तरह आपका होस्ट, और अभी हम पूर्णिया जिले के कस्बा में अवस्थित हैं, बैठे हुए हैं, और हम यहाँ इस वजह से बैठे हुए हैं कि यहाँ कुछ लोग आज जो मरणोपरांत शांति भोज किया जाता है उसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, हम वीडियो बाइट में दिखाएंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं, वाकई में यह कुरीति ही है, क्योंकि अगर अमीरों के पास पैसा है वह तो शांति भोज कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है जो हमारे सनातन धर्म में है, जो गरीब व्यक्ति है, उसको मुश्किल हो जाता है ऐसे भोज करने के लिए। चलिए हम बाइट के जरिए दिखा रहे हैं यहाँ की काफ़ी, हम अपने दर्शकों से क्षमा चाहते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के वजह से इस वीडियो क्लिप में आवाज़ नहीं सुनाई दे पा रहा है, लेकिन हम फिर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह है गोपाल यादव और इनका घर पूर्णिया जिले के कस्बा के रहने वाले हैं, और इन्होंने एक ऐसा काम किया है, देखिए इस वीडियो में यह जो गाड़ी आप देख रहे हैं यह इन्होंने दान स्वरूप शव वाहन बनाने के लिए, यानी कि शव को ढोने के लिए इन्होंने वाहन देने का काम किया है, जो समाज के लिए एक मिसाल है, और इस वाहन को देने के बाद इन्होंने यही सोचा है कि जो शांति भोज इनके पिता के मरने के बाद करना था उसका इन्होंने बहिष्कार कर दिया है, और कहा है कि इस चीज़ को, इस दकियानुसी चीज़ को हटा के हम उस पैसे के बदले अगर समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें तो यह ज़्यादा उपयोगी है, और इसीलिए इन्होंने यह गाड़ी खरीद के समाज में एक अच्छा काम किया है। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार शाह। किनकी मृत्यु हुई है आपके घर? पिता, मेरे पिता श्री भोला प्रसाद शाह। कितने दिन पहले हुई? ये रविवार को हुए, डेट हुए। अच्छा, तो ये जो शांति भोज किया जाता है, हाँ, इसका क्या आप बहिष्कार कर रहे हैं? जी हाँ, बहिष्कार करना चाहते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देखे कोई गरीब भी रहता है, कोई अमीर भी रहता है, इसके लिए हम सोचते हैं कि कुप्रथा को बंद किया जाए, लास्ट का भोज बंद किया जाए। गरीब और अमीर का मतलब है कि गरीब के पास पैसा नहीं रहता है। हाँ, हाँ, हाँ। अमीर का पैसा है तो कुछ ये बंद करेंगे, धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा, भविष्य में आगे बहुत काम आएगा। अच्छा। इसके लिए जैसे गोपाल भैया सोचे, बहुत अच्छा सोचे हैं गोपाल यादव, बहुत अच्छा कुप्रथा को बंद करने बहिष्कार किया, उसका देखा था कि हम भी सोचते हैं कि बंद किया, और रह गया थोड़ा सा अपना दियाद गुतिया जो भी है, अपना परिवार का घर आदमी, ये लास्ट में अपना भोज करके अपना घर का परिवार का अपना आदमी करके खत्म कर, यानी बाहरी लोगों को जो बुला के खिलाया जाता है वो सब चीज बंद करना चाहिए, बस्ती समाज को बंद करना चाहिए, अपना जो परिवार है लेके उसी जिले के बस हो गया। गोपाल यादव जी का जो मुहिम चला रहे हैं इस प्रथा के विरोध में, उसका आप साथ दे रहे हैं? हाँ जी जी, हाँ साथ दे रहे, बिल्कुल साथ देंगे हम। अच्छा, और तो ये बताइए कि लोग, तो आपके अगल बगल के लोग विरोध कर रहे हैं क्या इस चीज का? करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम चालू करेंगे तो करने वाले, हम मेरा जो सहूलियत तो वहाँ तक करेंगे हम। बिल्कुल सही बात है, विरोध करें या नहीं करें उससे कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है, और मेरा भी मानना है, हमारे चैनल का भी मानना है कि ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि मरने के बाद कोई आदमी अपना जमीन बेच के, कोई आदमी जेवर बेच के अगर शांति भोज जैसी दकियानुसी बात को अमल में लाता है तो ये वाकई में सोचने वाली बात है, और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे गोपाल यादव जी का, जो जिन्होंने यह मुहिम चलाया है, और खुद उनके पिता के मरने के बाद उन्होंने शांति भोज का बहिष्कार किया है, और आज इसी गांव में जो ये शाह जी हैं जिनका हम इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं, इन्होंने भी, उन्हीं को देखकर इन्होंने भी इस शांति भोज का बहिष्कार किया है। हम इसी तरह का वीडियो दिखाते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।